हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों फिल्मों का ढेर लगाए बैठे हैं। एक तरफ वो अपनी फिल्म मिशन मंगल को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे लेकर अक्षय ने काफी वाहवाही भी बटोरी थी। वहीं अब लीजिए अक्षय अपने फैंस के लिए एक और बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। बता दें कि अक्षय ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर कर ट्वीट किया है। दरअसल ये पोस्टर उनकी अगली फिल्म बच्चन पांडे का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये फिल्म अगले साल यानी कि 2020 में रिलीज होगी और इसको डायरेक्ट करेंगे फरहाद सामजी। वहीं इसके प्रोड्यूसर होंगे साजिद नाडियाडवाला। पोस्टर में अक्षय ब्लैक कलर की लुंगी, सिर पर सफेद चंदन और गले में मोटी मालाएं पहने नजर आ रहे हैं। बता दें कि अक्षय के ट्वीट करते ही लोगों ने भी अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं। एक यूजर ने लिखा है, ऑल द बेस्ट टू दिस फिल्म मेकर्स, सो अक्षय कुमार सर इज कमिंग ऑन क्रिसमस 2020 एज बच्चन पांडे, धमाकेदार न्यूज ऑफ द डे। वहीं एक यूजर ने लिखा है, आग आग आग, जिसको भी क्लैश करना है आ जाओ, दम है तो, बच्चन पांडे इज हियर। तो वहीं एक का कहना है, ही इज बैक एज बच्चन पांडे, सबका बाप आ रहा है। अब दोस्तों, रिएक्शंस देखकर लोगों की एक्साइटमेंट तो आप समझ गए होंगे। वहीं अक्षय के ट्वीट के बाद से ही ट्विटर पर बच्चन पांडे ट्रेंड करने लगा है। वेल, तो जहां एक तरफ इस साल अक्षय के पास गुड न्यूज, हाउसफुल 4 जैसी फिल्में हैं, तो अगले साल उनकी लक्ष्मी बॉम्ब और सूर्यवंशी भी रिलीज हो रही है। कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय की किस्मत इन दोनों सातवें आसमान पर है। वैसे आप इनमें से अक्षय की किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यस, या या या। और कितनी फिल्में रिलीज होती है हमारी हिंदी फिल्में? 180, 190 जी। तो क्या करें, दो जो तीन तीन नहीं आएंगे साथ में तो क्या करेंगे? हाँ, किसको परेशानी हुई? क्योंकि वे फ्रेंड्स, सब तो दोस्ती आ रही। तो क्या होता ना, देखिए, और 52 हफ्ते के अंदर करीबन 180 हिंदी फिल्में हैं, फिर उसके बाद करीबन 30-40 हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, तो बहुत सारा कंजेशन रहेगा ही रहेगा। ये तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम होंगी, और भी, अब तो दो दो तीन तीन होती हैं, अब तो आगे जाके चार चार पाँच पाँच भी होंगी। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, एंड वी शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर, वी शुड जस्ट गो अलॉन्ग विद इट एंड दैट्स इट। कुछ सालों से देख रहे कि आपकी जितनी भी फिल्में आ रही है, इट्स लाइक यू नो, एक मैसेज के साथ होती है एंड इट्स एंटरटेनिंग, तो दैट इज योर पर्पस आल्सो, लाइक आप इस तरह की सब्जेक्ट को। अगली फिल्म हाउसफुल, उसमें बहुत बड़ा मैसेज है, वो जरूर आना आप देखने। नहीं, कॉमेडी में भी आप कुछ ना कुछ मैसेज दे ही देते हो सर। मैं कह रहा हूँ उसमें तो जरूर आना देखने। एंड वन क्वेश्चन टू शर्मन, आपकी फिल्म हमने 3 इडियट देखी थी, वहां पर भी यू नो आप थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, यहाँ पर भी कुछ मंगल भारी है टाइप का रोल है? व्हाट आई वुड से अबाउट हिट है, हिट है पिक्चर, हिट है। Script writer से पूछे हैं क्या बता? Before Sharman कुछ बोले, मैं I'm a big admirer of him, by the way. I've seen all his films. He's a great actor. He's one of the best actors. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sharman, how much personally you believe in this? Like, you know, पहले मंगल मिशन से पहले तो हम मंगल की बात कर रहे थे, मंगल भारी है या एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा रिलेट करते थे पहले? क्या कहें? नहीं, पहले बिलीव नहीं करता था बिल्कुल, 3 इडियट्स के बाद बिलीव करने लगा। विपरीत हुआ, विपरीत। अक्षय पाजी ऑन योर लेफ्ट, अक्षय पाजी ऑन योर लेफ्ट, अक्षय ऑन योर लेफ्ट, हाय अक्षय, रचना, अक्षय ऑन योर लेफ्ट, अक्षय पाजी, एक मिनट भाई साहब, आप जहां भी हैं रुक जाइए, लेडीज फर्स्ट जी। सर, हमने हमेशा देखा है कि आप 15th अगस्त की डेट को बहुत प्रेफरेंस देते आए हैं, सडनली अब और लोगों ने भी उसको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है, सडनली डू यू फील दैट द होल एक्सक्लूसिविटी दैट यू हैड ओवर 15th अगस्त इज समवॉट गॉन? नहीं, ऐसा नहीं, एक्सक्लूसिविटी तो आई डोंट थिंक सो, ऐसा मुझे सोचना भी चाहिए और किसी भी एक्टर को सोचना चाहिए, क्योंकि सारी डेटे इट बिलोंग्स टू एवरीबडी, एवरीबडी कैन कम एनी टाइम दे कैन कम। सो मेरा ये सोचना गलत होगा कि ऐसा सोचूं कि ये मेरी डेट है सर। ओके गाइस, वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, नाउ लास्ट क्वेश्चन। Thank you.
So this, these films also motivates the whole India only. That's what the whole idea is behind. Sorry? तो बेटा एक 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 फिल्म के अंदर कितने प्रोफेशन दिखाऊं मैं? हाँ, एक ही दिखा सकता हूँ ना, कि क्या करूँ कि 20-25 दिखा दूँ. एक इंजीनियर भी है, एक अलग अलग उनकी कहानियाँ चल रही हैं भी है, अलग अलग फिल्में होती हैं ना. आप समझदार हो, आप समझो तो एक 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 फिल्म के अंदर कितने प्रोफेशन दिखाऊंगा बैठ के. वो मत बनना, वो मत करना आप. Since we are talking about bringing change and doing something, we see every time there's a tragedy, you come forward and you do something for the people. Like yesterday, you donated 1 crore towards the Assam Relief Fund, and then for 1 crore for the animals of Kaziranga Park. In the time when people don't care about human life, you're caring about human and animals. Do you want to say something about it? क्योंकि जनाब, मैम सॉरी मैम, मेरे पास बहुत पैसे हैं तो. एंड आई टेल यू समथिंग. मैंने परसों तरसों की बात कर, मैंने एक फ़ोटो देखी थी, मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसके अंदर एक औरत अपने बच्चे को लेके पानी के थ्रू से निकल रही थी. एंड एक्चुअली आई कंसिडर दैट हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है. व्हेन आई सॉ दैट फोटोग्राफ आई थॉट ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है. जैसे वो फोटोग्राफ में था कि कैसे वो पानी के अंदर, इतना पानी था और बच्चे को यहाँ तक लेके जा रही थी, आसाम फ्लड का ही था. एंड आई वुड जस्ट से कि मुझे सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है और सो सैड ऑन ट्विटर में नहीं डालना है. मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, ये मत डालो, कुछ करो. चाहे वो एक चवन्नी क्यों ना हो, या 25 लाख क्यों ना हो, या 25 करोड़ क्यों ना हो, जितना आप दे सको. गेट अप, स्टॉप ट्वीटिंग अबाउट इट एंड सेइंग इट इज वेरी सैड, इट इज सो, गॉड ब्लेस एवरीथिंग, आई होप एवरीथिंग इज ओके. डोंट डू दैट, रिएक्ट टू इट. जस्ट डू समथिंग अबाउट इट, दैट्स इट. अक्षय भाजी ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट. अक्षय भाजी थे दे यहां. हाँ जी. सो मेरा सवाल आपसे और बाकी पूरी कास्ट से है कि इस फिल्म में डायलॉग है कि साइंटिस्ट वही है जो एक्सपेरिमेंट करता है, बिना एक्सपेरिमेंट के हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते. बट ये कहीं ना कहीं आप सब पे भी लागू होते हैं, बिकॉज एज एन एक्टर आपकी जो चॉइसेस रही हैं फिल्मों की अलग रही है हमेशा, नॉट पर्टिकुलर टू वन जॉनर. सो हाउ मच यू बिलीव इन दैट कि एक्टर्स को भी एक्सपेरिमेंट की बहुत जरूरत है? नहीं, सबको जरूरत है, आपको भी जरूरत है. आपका प्रश्न भी जैसे अलग है जी, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, नया प्रश्न है जी. तो सबको जरूरत होती है एक्सपेरिमेंट की. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सपेरिमेंट डजंट मीन कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही is anything. It's about in journalism also, being an actor also, being a director also. So everything. Even aaj mere jo baal kaatta hai, mere liye yahan baitha hua hai. Khade hokar namaste bol bete. To ye bhi experiment karta hai. Kitna matlab baalon pe, aaj subah isne mere baal kaate hain. Alag alag isne experiment karta hai. Mere sir, maine soch ke aaya hu. Aisi aisi bhayankar tasveerein lata hai. Main mana karta hu. अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बालों का कलर देखिए, ऐसा लगता है होली खिल के आया है. कर एक्सपेरिमेंट तो बहुत जरूरी है. इट्स अ वेरी, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी. आपको आपका खुद का इंडिविजुअल जो सोच है वो लोगों के सामने नहीं आएगा. आप एक भेड़ चाल के अंदर ही रह जाओगे. तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो मीडिया हो, या कोई भी हो, मतलब सबको एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग सोचना चाहिए. और ये सोच आपको तभी आएगी जब आप बहुत, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जब आप बहुत ऑब्जर्वेंट रहोगे, हर चीज़ को ज़रा अपने हिसाब से देखोगे, अच्छा सोचोगे, उसके अंदर आपको हमेशा कुछ नया चीज़ नज़र आएगी और आप हमेशा सक्सेस रहोगे. जगन, माई क्वेश्चन टू यू, जगन माई क्वेश्चन टू यू दिस साइड. हाँ जगन, जगन जगन, दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Please tell me. Jagan, in the trailer we could see repeatedly the actors saying it's impossible. Correct. But in fact it's I am possible. So after the release of this film, yeah. Your film will make this I am possible thought? I think would so, you ma'am. Like to elaborate and say something on that?
No, it has been. Has this word been kept because of that? No, not really. But getting such big stars in one platform and to make a film like this itself, I'm blessed. And that is it is impossible. But for a first time director, so many actors coming together is itself. I thought it was impossible, but it is possible now. Bringing all the actors together, who made it possible? Was it Akshay? Akshay sir was the one who first agreed. And after he greenlit it, then everybody came on board. It was the script strength also. And I've been ably guided by Mr. Balki all through.